Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Janavi. Welcome to my channel. मैंने रिसेंटली माइग्लैम से शॉपिंग की है तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है. मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this last one 11. तो ये सारे बॉक्स मैं आपको सबको एक साथ नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा. मैंने इस बार 13 to 15 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, 13 अराउंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं. इतने बॉक्स मुझे रिसीव हुए हैं, लाइक 11 बॉक्सेस मुझे रिसीव हुए हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस. उस हिसाब से मेरे कुछ भी प्रोडक्ट्स इतने नहीं हैं, मतलब 12-13 प्रोडक्ट्स होंगे, 10 होंगे, मैंने पक्का गिना नहीं है अब तक. बट इतना मेरे पास ये अभी हो गया ये बॉक्सेस. सुबह सुबह वो कचरे वाले अंकल मेरे नाम से चिल्लाएंगे कल कि यार कितना कचरा करती है लड़की, कितने बॉक्सेस होते हैं मेरे कचरे में. मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये ब्रांड सजेस्ट किया कि तुम माइग्लैम के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ट्राई करती, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं. एंड मैं नायका से हर वक्त शॉपिंग करती हूँ, नायका, पर्पल, अमेजोन से इतना नहीं करती, बट माइग्लैम से मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है और इतनी सारी कर ली है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. मैं एक एक करके अपने सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन सब में आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है. प्रोडक्ट है ये लिप बाम, माइग्लैम लिट PH लिप बाम. ये टिंटेड लिप बाम है. मैंने एक ही शेड में दो सेम लिप बाम ऑर्डर किए हैं. बल्कलम फ्लेवर है ये लिप बाम के, दोनों शेड सेम ही है. मुझे लिप बाम लगाना अच्छा लगता है क्योंकि ये लिप्स पे प्राइमर जैसे लेयर क्रिएट कर देता है. वाओ, खाने के लिए मन कर रहा है इसको तो अभी. ये जो लिप बाम है ये इटली में फॉर्मुलेटेड हुआ है. यहाँ पे लिखा है फॉर्मुलेटेड इन इटली. इसका जो MRP है वो 345 रुपीज़ है. एंड इसका जो शेड है वो है बाइट मी. मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो. सीरियसली आप इसका पैकेजिंग देखो, कितना क्यूट पैकेजिंग है. ऐसा लग रहा है कोई लिपस्टिक ही है. देन नेक्स्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो है केपले के शीट मास्क. मुझे शीट मास्क लगाना बहुत अच्छा लगता है. मेरे पहले वाले शीट मास्क जो थे टोनी मोली के वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस बार केपले का ट्राई किया. इसका प्राइस है 145 ईच, और ये फॉर्मुलेटेड इन कोरिया. वाओ, कोरियन स्किन केयर तो वैसे भी बहुत अमेजिंग होता है. ये ब्राइटनिंग शीट मास्क है. मैंने ये 6 पीसेस परचेस किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. स्किन केयर करना अच्छा लगता है. मैं अपनी स्किन की बहुत केयर करती हूँ. मैं शीट मास्क हमेशा यूज़ करती हूँ. वीक में एक बार फ्राइडे को मैं शीट मास्क यूज़ करती हूँ. देन जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मनीष मल्होत्रा का लिप ग्लॉस. ये इसका जो शेड है वो है रोज़ लस्चर, फॉर्मुलेटेड इन इटली. मेरी मम्मी को लिप ग्लॉस लगाना अच्छा लगता है, तो ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है. वाओ, कितना शाइनी है ये. वाओ, इसका जो प्राइस है वो है 1050 रुपीज़, 1050. और इसका जो इन सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की अगर आप बात करें तो सीरियसली बहुत अच्छी पैकेजिंग है, बहुत अमेजिंग है. प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग देखकर हम लोग को लगता है कि ये प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, बट नहीं, ये सारे प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली है. देन जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है माइग्लैम का हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर जेल विद वाटर पैंक टेक्नोलॉजी, इन्फ्यूज विद मॉइस्चर बूस्टिंग मरीन मिनरल्स. तो ये मॉइस्चराइजिंग जेल है. ये मैं अपने मेकअप करने से पहले इसे यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये परचेस किया. इसका जो प्राइस है वो है 1095, आप देख सकते हो 1095 इसका पैकेजिंग है. और ये वाटर बेस्ड जेल मॉइस्चराइज़र है,
सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, लेकिन ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो मैं इसलिए मैंने ये परचेज किया। क्यूट पैकेजिंग है इसकी, वाव, ग्लास का बॉटल है और ये हैवी है। वाओ सीरियसली कितना क्यूट, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। आप इसे रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं एज योर डेली मॉइस्चराइजर। मैं इसे रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ करूँगी। अरे प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री एंड वेगन है। इसका जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम है और ये मेड इन साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। वाओ, कोरिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब ये बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट देगा, क्योंकि कोरिया के स्किन केयर आर द बेस्ट बेस्ट स्किन केयर होते हैं। वाकई वहाँ के लोगों की स्किन भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्गलैम का बनाना टिंटेड परफेक्शन ब्राइटनिंग बनाना प्राइमर है। मेरे पास ऑलरेडी प्राइमर्स है, बट मुझे मार्गलैम का प्राइमर ट्राई करना था, तो मैंने ये ले लिया। लिप्स की वजह से खुल भी नहीं रहा है जल्दी। कितनी रिच पैकेजिंग है इसकी, वाह कितना क्यूट लग रहा है ये। ये टिंटेड प्राइमर है, इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। आज मैंने अपने मेकअप लुक में यही सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। बहुत अच्छे से मेरी स्किन को कवर कर लिया इसने, मैट फिनिश दे रहा है ये। पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, पोर्स अच्छे से फिल कर देता है। येलो टिंटेड मैट लाइट वेट बनाना प्राइमर दैट इंस्टेंटली ब्राइटनेस स्किन एंड मिनिमाइजेस पोर्स, गिविंग यू अ विजिबली स्मूदर एंड रेडियंट अपीयरेंस। यूज इट अलोन और एज अ बेस। आप इसे नॉर्मल भी यूज कर सकते हो और आप अपने मेकअप के लिए इसे एज अ बेस भी यूज कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 1095। मैंने टोटल दो प्राइमर्स ऑर्डर किए हैं, मैं आपको सेकंड वन भी दिखाती हूँ। तो प्राइमर है, दोनों भी सेम है, दोनों की प्राइस भी सेम है, टोटल सेम है, क्योंकि एक प्राइमर है जो मुझे फर्स्ट पहले रिसीव हुआ तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो एक और लेती हूँ साथ में, तो मैंने एक और ले लिया। इतने अमेजिंग है ये प्रोडक्ट्स, इसका जो पैकेजिंग है ओवरऑल। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 1095 के हिसाब से इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी है टोटल 27 ग्राम फॉर 1095। लिटिल बिट कॉस्टली है, बट अगर क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होता तो समझ सकते हैं। ये टिंटेड प्राइमर है इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पोर्स है और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, तो मुझे मैट प्राइमर चाहिए। मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मार्गलैम पोर्स HD ब्राउन्सर ड्यू। मैंने ब्राउन्सर लिया है इस बार, क्योंकि मेरा पहले वाला जो कॉन्टोर ब्राउन्सर था वेट एंड वाइल्ड का, वो टूट चुका है और वो काफ़ी मैसी हो गया है, तो ये मैंने इस टाइम परचेस किया। मैं काफ़ी टाइम से ब्रॉन्जर लेने का सोच रही थी, बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे इसके अंदर, अच्छा लग रहा है ये, तो ये इसके अंदर दो शेड्स हैं। इसका जो प्राइस है वो है 699 रुपीज़। हुआ ये भी फॉर्मुलेटेड इन इटली है। मुझे लगा था कि ये मेड इन इंडिया हो गए सारे प्रोडक्ट्स, बट नहीं, ये फॉर्मुलेटेड इन इटली है। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो है 9 ग्राम्स। ठीक है, वैसे भी कॉन्टोर वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो 9 ग्राम्स इज़ ओके फॉर 699। देन मेरा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, सीरियसली आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। ये है मार्गलैम का मस्कारा, ट्विस्टेड मस्कारा, मतलब अगर आपके पास लैश कलर नहीं है तो सिर्फ आप इसे ही यूज़ करके आपके लैशेज जो है वो कर्ल भी कर सकते हैं, मतलब विदाउट लैश कलर आप इसे अपने लैशेज कर्ल भी कर सकते हैं और उन्हें अच्छा खासा वॉल्यूम भी दे सकते हैं। और इसको पकड़ने के लिए इन्होंने क्यूट सा हैंडल भी दे रखा है यहाँ पे। वाह, इसका जो बाउंड है वो भी बहुत अच्छा है। मेरे पास इसके पहले डैजलर का एक मस्कारा था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करती थी, और मेबलिन वाटरप्रूफ एक मस्कारा था लेकिन वो ब्राइट हो चुका था, तो मैंने लाइफ हैक्स देखकर उसमें लेंस सॉल्यूशन ऐड किया था, बट वो कुछ वर्क नहीं हुआ, तो मैंने सोचा फिर नया ही ले लेते हैं, इसलिए मैंने ये मार्गलैम का मस्कारा ऑर्डर किया है।
ये भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसका जो प्राइस है वो है 645 रुपीज़, फॉर्मुलेटेड इन इटली, नेट क्वांटिटी 10 ml, इसका जो क्वांटिटी वो है 10 ml है। ये बहुत अच्छा है, मैं आपको पक्का ये प्रोडक्ट सजेस्ट करूँगी कि आपके पास लैश कर्लर नहीं हो तो आपको दो दो चीज़ें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसी से अपने लैश कर्ल भी कर सकते हो और उन्हें लैशेज़ को अच्छा सा वॉल्यूम भी दे सकते हो। एंड देन मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है केपले का ब्लश, ये शेड है पीच ब्लश, हाँ स्वीट पीच इसका जो शेड है वो है। अच्छे से ट्रे में रिसीव हुआ है इसके अंदर, ये जो है ना इसका जो इसके ऊपर का जो पैकेजिंग है वो मैट फिनिशिंग है। इसका जो शेड नंबर है वो 03 है, नेट क्वांटिटी 9 ग्राम्स है इसकी। इसका जो प्राइस है वो है 645 रुपीज़, एंड फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो गुड। जो शेप है देखो कितना क्यूट है, सर्कल सर्कल सर्कल। आज मैंने यही ब्लश यूज़ किया है, कितना नेचुरल लग रहा है ये ब्लश। अगर आपको ब्लश में वैरायटी चाहिए माइग्लैम में, तो जैसे कि मैंने मेरा कॉन्टोर दिखाया जिसमें दो मतलब ब्रॉन्जर और कॉन्टोर दोनों थे, वैसे ही इसमें दो अलग अलग शेड आपको मिल जाएंगे, बट वो शेड मेरे कुछ काम के नहीं थे इसलिए मैंने ये स्वीट पीच ऑर्डर किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लशर पैलेट है, मेकअप रिवॉल्यूशन किया है, इसके ऊपर सारे फ्रूट्स के पिक्चर्स है, कितने क्यूट क्यूट बच्चों के खिलौने के जैसे लग रही है। देन मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है केपले का शीट मास्क, वो वाला ऑरेंज शीट मास्क था और ये स्ट्रॉबेरी शीट मास्क है। ये भी 145 रुपीज़ ईच है, इसका पर पीस प्राइस है 145 रुपीज़। स्ट्रॉबेरी का नहीं सॉरी लीची का है, सॉरी लीची हाइड्रेटिंग शीट मास्क फ्रॉम माइग्लैम, फॉर्मुलेटेड इन कोरिया, ये भी सेम फॉर्मुलेटेड इन कोरिया है। अगर आपको पता नहीं है शीट मास्क कैसे यूज़ करना है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। आपको अपना फेस क्लिनजिंग एंड टोनिंग कर लेना है, मतलब आपको कोई भी फेस वॉश यूज़ करके अपना फेस क्लीन कर लेना है, देन उसके बाद टोनर यूज़ करना है अगर आप टोनर यूज़ करते हो तो, और अगर आपके पास नहीं है तो माइग्लैम के भी टोनर्स अवेलेबल है, क्लिनजेस फेस वॉश मतलब क्लिनजर्स भी अवेलेबल है। और ये जो शीट मास्क है आपको इसे खोलकर अच्छे से अपने फेस पर लगाना है, इसे 20-30 मिनट्स अपने फेस पर रख देना है ताकि इसका जो सीरम है वो अपने स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और इस जब आप इसे रिमूव कर देंगे तो इसका जो सीरम आपके फेस पर होगा तो आपको इसे अच्छे से मसाज करना है ताकि वो अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो। मेरी एक फ्रेंड है जिसने माइग्लैम के प्रोडक्ट ट्राई किए हैं, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तू ब्राइटनिंग शीट मास्क ऑरेंज और ये लीची वाला पक्का ट्राई कर, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, तो मैंने इसे परचेस कर लिया है। और ये जून 2021 में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं सारे प्रोडक्ट्स, मतलब रिसेंटली इससे मैन्युफैक्चर किया है। शो योर स्किन सम लव एंड रिच विद गुडनेस ऑफ लीची, दिस शीट मास्क विल हाइड्रेट एंड हील योर स्किन गिविंग इट अ हेल्थी ग्लो, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड विद ब्लैक ट्रफल इन स्किन प्योरीफाइंग एंड एक्टिव ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज दैट वाइटिलाइज योर स्किन हुआ। देन मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लिपस्टिक माइग्लैम का, ये जो ये लिपस्टिक है मैंने यही आज यूज़ किया है, ये मेड इन इंडिया है, वाह कुछ तो मेड इन इंडिया निकला इसमें से मुझे लगा। ये इसका जो शेड है शेड नंबर है स्विंगर, और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली है, एक्चुअली फ्री मतलब मुझे सिर्फ इसके लिए 99 रुपीज़ पे करने पड़े हैं, इसका ओरिजिनल प्राइस है 395 रुपीज़, और मुझे ये फ्री मिली है। इसका रीज़न उनके ऐप पे कुछ सर्वे था तो मैंने वो सर्वे कंप्लीट किया, उसके जो सारे आंसर्स थे मैंने वो कंप्लीट कर दिए, तो उसके बाद मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिल गई है। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल थे बट मुझे न्यूड वैरायटी बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास ऑलरेडी न्यूड वैरायटी में बहुत लिपस्टिक्स है, फिर भी मैंने ये ट्राई किया, मेरी फ्रेंड के पास भी सेम शेड था तो मैंने ये ट्राई किया। अगर इसकी स्टे की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत वाटर प्रूफ है, मैट लिपस्टिक है, मतलब जब ये मुझे रिसीव हुआ था 3-4 दिन पहले तो मैंने इसे अपने हाथ पर लगा लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, मतलब शाम के टाइम ये रिसीव हुआ था, उसके बाद मैंने खाना खाया, रात को डिश वॉश वगैरह करने के बाद अगले मॉर्निंग जब मैं नहा के निकली तभी भी मेरे हाथ पर ये लिपस्टिक वैसे का वैसा ही था। मतलब अगर आप इसे ऑयल से या फिर किसी मेकअप रिमूवर से जब तक क्लीन नहीं करते तब तक ये पूरा निकल नहीं जाएगा, तो जिनकी लिपस्टिक बहुत जल्दी निकल जाती है अपने लिप्स पे से तो उनके लिए बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं।
इनमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत अमेजिंग अमेजिंग कलर्स हैं, और आपको ये 99 रुपीज़ में मिलती है अगर आप वो सर्वे की जो आंसर्स है वो अच्छे से क्लियर कर देते हो। आपको इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको ये 99 रुपीज़ का आता है। अगर आप इसे COD करते हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी करते हो, जब डिलीवरी के टाइम आप पे करते हो, तब आपको ये लिपस्टिक 199 में रिसीव होती है। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, इसके लिए मुझे ये 99 रुपीज़ में मिली है, और इसका जो क्वांटिटी वो है 3 ml। गाइस प्लीज़ जेलस फील मत करना कि मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा काम है इसलिए मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट, अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेस ही नहीं करूँगी तो मैं आप तक इसका ऑनेस्ट रिव्यू कैसे पहुँचा सकूँगी, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। तो गाइस प्लीज़ ऐसा दिमाग में कुछ भी मत लाइएगा कि यार मेरे पास इतना सारा है और आपके पास कुछ नहीं। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट, मुझे मेकअप कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड के मेकअप किट्स हैं, नायका, लॉरियल, मेबलिन, फेसेस कैनेडा, देन PSC और अभी माइकलैम। तो ये सारी चीज़ इकट्ठा करना मेरा शौक है, ये मेरा काम है। यहाँ पे अपना एक कोड मेंशन कर रही हूँ गाइस, अगर आप उस कोड को यूज़ करके शॉपिंग कर रहे हो तो, अगर आप मतलब जैसे कि आप 999 का शॉपिंग कर रहे हो तो आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद 250 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे, मतलब 250 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मेरा जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये माइकलैम का लिक्विड आई लाइनर प्लस HD ब्राउन पाउडर। मेरा प्रो पाउडर भी बैटर मेल्ट का ख़त्म होने के लिए आया था, तो मैंने ये माइकलैम का ऑर्डर किया। मतलब मुझे अपने वैनिटी में बहुत कम स्पेस में ज़्यादा सामान एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने ये ड्यूओ लिया। ये हाई डेफिनेशन प्रो पाउडर, एक साइड में इसके एक्चुअली दो साइड है, इसके अगर एक साइड में हाई डेफिनेशन ब्रो पाउडर, मतलब ये ब्रो फिल करने का काम करेगा, और इसके ये साइड में लिक्विड आईलाइनर है। इसका जो प्राइस है वो है 1095 रुपीज़। हाँ, इसका जो शेड है वो है नटमेग एंड एस्प्रेसो, ऐसे कुछ है एस्प्रेसो। तो इसका जो क्वांटिटी वो है 1 ग्राम फॉर प्रो पाउडर, इसका जो प्रो पाउडर 1 ग्राम है, और आईलाइनर है 2.8 ml। तो मैं इसे एक एक करके आपको दिखाती हूँ, पहले लाइनर देखते हैं। ये डार्क ब्राउन आईलाइनर मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल बहुत सारे आईलाइनर हैं, मेबलिन का है, देन स्टेकवेर की का है, वेट एंड वाइल्ड का है, इनसाइट का है। तो मुझे ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो एक्चुअली नेचुरल, अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे जो ब्रोज हैं उसे मुझे कुछ ज़्यादा फील करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जो ब्रोज है वो नॉर्मली भी बहुत डार्क है। अगर मैं उसे स्पूली से भी हल्का सा क्लीन कर दूँ ना तभी भी मेरे ब्रोज अच्छे लगते हैं। और ये है ना इसका, सॉरी सेट को दी, और ये इसका ब्रो पाउडर है, इसका जो एप्लीकेटर है वो कुछ इस तरीके से आता है, ये डार्क ब्राउन है। आप इसे अपने ब्रोज फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो, और इसका जो एप्लीकेटर है वो कुछ ऐसे तरीके का है, मतलब ये अगर आप इसे यूज़ भी कर रहे हैं तो आपका ब्रोज का जो इफ़ेक्ट है वो एकदम नेचुरल इफ़ेक्ट देगा, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो ब्रोज है वो बहुत हैवी लगेगी इसे यूज़ करने के बाद, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने लाइनर भी यही यूज़ किया है और प्रो पाउडर भी यही यूज़ किया है आज। वैसे तो मुझे प्रो पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल अगर मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया तो मैं इसे यूज़ भी करना चाहती हूँ, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, वो फेवरेट है, बट ये पहले जो शीट मास्क है, दिस एंड दिस वन, ये शीट मास्क मुझे बहुत अच्छे लगे। बस अगर मैं फाउंडेशन बाय करती, स्टिक फाउंडेशन है इनके, शायद माइकलैम के स्टिक फाउंडेशन और लिक्विड है शायद, मुझे पक्का याद नहीं है। तो ये दोनों सिर्फ फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट ऑर्डर करती तो मेरा 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल हो गया, मेकअप ट्यूटोरियल हो जाता आराम से। मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके कैसे आज का मेकअप लुक क्रिएट किया है, अगर आपको ये देखने में इंटरेस्ट हो तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर पोस्ट कर दूँगी अपने चैनल पर। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।